दोस्तों, आज मैं मास्टर ऑफ हॉरर नाम की एंथोलॉजी सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसका मतलब है कि सारे के सारे एपिसोड इंडिपेंडेंट होंगे। मास्टर ऑफ हॉरर के दो सीजन हैं, जिसमें टोटल 26 एपिसोड हैं। तो चलिए, लेट्स एक्सप्लेन फर्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम एलेन नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि एक माउंटेन की तरफ गाड़ी से कहीं जा रही होती है। तभी उसे आगे रास्ते में एक साइन बोर्ड दिखाई देता है, जिसमें लिखा होता है कि आगे कोई भी गैस या सर्विस उपलब्ध नहीं है। हालांकि वो फिर भी आगे बढ़ती जाती है, जैसे कि वो किसी जरूरी काम से जा रही हो। लेकिन तभी गाड़ी का रेडियो ऑन करने के चक्कर में उसका रास्ते पर से ध्यान हट जाता है, और फिर अचानक से उसके सामने एक गाड़ी आ जाती है, जिसकी वजह से उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद अब कहानी कुछ महीने पीछे फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम एलेन के साथ एक ब्रूस नाम के आदमी को देखते हैं। इसको एलेन देखते ही पसंद करने लगती है। साथ ही हमें पता चलता है कि ब्रूस को सर्वाइवल के बारे में काफी ज्यादा जानकारी थी। आगे हम ब्रूस और एलेन को एक साथ बारिश में देखते हैं, जिसके साथ ही एलेन की आंख खुलती है और वो खुद को जख्मी हालत में पाती है। अब एलेन हिम्मत करके अपने बैग से टॉर्च निकालती है और बाहर जाकर चेक करती है। वो गाड़ी में जाकर देखती है तो उस गाड़ी में कोई भी नहीं होता, लेकिन उस गाड़ी की सीट पर खून लगा था, जो कि गाड़ी की सीट से लेकर पूरी रोड पर फैला हुआ था। मानो कि जैसे कोई उस कार के मालिक को घसीट कर रोड के दूसरी तरफ ले गया हो। जो देखकर एलेन बुरी तरह डर जाती है और वो डर के मारे उस कार के ओनर को आवाज लगाती है। इस दौरान वो अपनी टॉर्च से रोशनी करती है और उसके सामने एक अजीब सा क्रीचर आ जाता है। इसने एक लड़की को अपने हाथों से पकड़ा हुआ था और वो लड़की एलेन से मदद की गुहार लगा रही थी। मतलब कि ये लड़की कार की ओनर थी और ये क्रीचर उसे मारने की कोशिश कर रहा था। तभी वो क्रीचर एलेन को वहां देखकर उस पर हमला कर देता है। इससे किसी तरह से बचकर एलेन पहाड़ी से नीचे कूद जाती है। हालांकि इस कोशिश में वो काफी घायल हो जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करती है। इसी दौरान एलेन याद करती है कि कैसे ब्रूस ने उसे कई सारे सर्वाइवल के तरीके सिखाए थे। साथ ही उसने एलेन को शादी के लिए प्रपोज भी किया था और वो तुरंत मान गई थी। अब प्रेजेंट में वो कातिल अब भी एलेन के पीछे पड़ा था। इससे बचने के लिए वो पेड़ के पीछे छिप जाती है। हालांकि वो उसे देख लेता है और उस पर अपना चाकू फेंक कर मारता है। यहाँ एक बार फिर से एलेन किसी तरह बचकर आगे भाग जाती है। अब इसी दौरान एलेन को अपने बैग में से एक कैंची मिलती है, जिसका सही इस्तेमाल करके वो कातिल के लिए एक फंदा बनाती है। इसमें फंसकर वो क्रीचर घायल हो जाता है, क्योंकि कैंची उसकी आंखों में घुस जाती है। इसके बाद आगे जाने पर एलेन को एक गड्ढा दिखाई देता है और उसे एक फंदे के जरिए कातिल को जान से मारने की एक तरकीब सोचती है। इसके लिए सबसे पहले वो एक लकड़ी को पैना करके धार धार कर देती है और गड्ढे के बीचों बीच उसे गाड़ देती है। साथ ही वो एक फंदा बनाती है ताकि इसमें फंसकर कातिल गड्ढे में गिर पड़े और वो लकड़ी उसके शरीर के आर पार हो जाए, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाए। अब इतना करने के बाद एलेन वहीं छिपकर उस क्रीचर के आने का इंतजार करने लगती है। हालांकि क्रीचर एलेन की सोच से ज्यादा चालाक निकलता है और वो पहले उस लड़की को भेजता है जिसे उसने पकड़ रखा था, और लड़की भागते हुए फंदे की तरफ बढ़ती है, जिसे एलेन रोकने की काफी कोशिश करती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उस फंदे में फंसकर लड़की गड्ढे में गिर जाती है, जिसकी वजह से एलेन की लगाई हुई लकड़ी उस लड़की के पैर के आर पार हो जाती है और इससे वो लड़की काफी ज्यादा घायल हो जाती है। उसकी हालत को देखकर एलेन को काफी बुरा लगता है और तभी वो क्रीचर एलेन पर हमला कर देता है। इससे बचने के लिए एलेन ने एक और लकड़ी बनाई हुई थी, जिससे वो कातिल की पीठ में मारकर वहां से भाग जाती है, और वहां से भागते हुए वो एक अनजान जगह पर पहुंचती है, जहां चारों तरफ उसे कई सारी लाशें मिलती हैं, जो कि अब कंकाल बन चुकी थी। अब इस जगह का यह नजारा देखकर एलेन तुरंत समझ जाती है कि होना हो ये उस क्रीचर का घर है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो क्रीचर उस लड़की की लाश के साथ यहाँ पहुंच चुका था। मतलब कि उस क्रीचर ने लड़की को मार दिया था और अगले ही पल वो एलेन को पकड़ भी लेता है, और यहाँ क्रीचर की एक ही वार से एलेन बेहोश हो जाती है। इसके साथ ही कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम एलेन को ब्रूस के साथ शादीशुदा जिंदगी बिताते हुए देखते हैं। दरअसल ब्रूस एलेन को हमेशा सर्वाइवल के तरीके सिखाता रहता था और उसे ट्रेनिंग करने के लिए कहता था। तो सब बातें एक वक्त के बाद एलेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। इसीलिए समय के साथ साथ दोनों के रिश्ते में दूरियां आने लगी थी और उनकी बातें झगड़ों में तब्दील हो चुकी थी। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट समय में आती है, जहां अचानक से एलेन की आंख खुलती है। वो अपने आसपास कई सारी लाशों और कंकाल वगैरह को देखकर बुरी तरह डर जाती है। मतलब कि इस क्रीचर ने पहले भी कई सारे लोगों की जान ली है। दरअसल एलेन एक बेसमेंट में कैद थी, जहां वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगती है। तभी वहां एलेन की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है, जो कि उसे अपना नाम बर्ड बताता है। वो कहता है कि ये सारी लाशें मेरे दोस्त हैं।
और मैं यही रहता हूँ, जिससे हमें पता चलता है कि इस बेसमेंट में काफी समय से बंद रहने की वजह से उसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। हालांकि यहाँ एलन के द्वारा पूछने पर बड उसे बताता है कि इस क्रीचर का नाम उसने मून फेस रखा है, क्योंकि उसका पूरा चेहरा सफेद रंग का है और पूर्णिमा के दिन उसका एक चांदी का दांत चमकते रहता है। साथ ही वो बताता है कि मून फेस को लहा से कलेक्ट करने का शौक है, इसीलिए वो लोगों को मारकर यहाँ पर लाकर उल्टा लटका देता है, जिससे वो लहा से दिन बीतने के साथ सड़ती जाती है। अब बर्ड की इस बात को सुनकर एलन को उल्टी आ जाती है, क्योंकि ये सब बातें सुनने में काफी घिनौनी थी। अब एलन बर्ड से पूछती है कि क्या यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है। उसकी इस बात का पहले तो बर्ड कोई जवाब नहीं देता, लेकिन बाद में वो कहता है कि यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, लेकिन वो क्या है वो ये उससे नहीं बता सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो मून फेस उसे भी जान से मार डालेगा। तभी वहां पर अचानक से मून फेस की आने की आवाज आती है। इस वजह से बर्ड और एलन दोनों ही सतर्क होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। इसके बाद मून फेस वहां आकर बेसमेंट की लाइट को ऑन करता है, क्योंकि वो अपने साथ उस लड़की की लाश को भी लेकर आया था, जिसे वो एक मशीन पर लिटा देता है। यहाँ हम देखते हैं कि अब भी उस लड़की में कुछ जान बाकी थी, इसीलिए मून फेस उसे एक दर्दनाक मौत देता है। वो सबसे पहले उस लड़की को एक मशीन पर लेटाकर उसकी आंखों को ड्रिल कर देता है, जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है, और ये सब देखकर एलन के होश उड़ जाते हैं। अब इसके बाद मून फेस उस लड़की की लाश को एक लकड़ी के क्रॉस पर टांग कर ऊपर की तरफ ले जाने लगता है, जिस दौरान पीछे से उसे टोकते हुए एलन पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। लेकिन मून फेस एलन की इन बातों का कोई जवाब नहीं देता और बिना कुछ बोले चुपचाप वो उस लड़की की लाश को बाहर टांगने चला जाता है। अब मून फेस के जाने के बाद बर्ड एलन से पूछता है कि क्या वो यहाँ से निकलना चाहती है, जिसका जवाब एलन हाँ में देती है। लेकिन बर्ड यहाँ किसी पागल की तरह नाचने लगता है और एलन पर हंसते हुए उससे कहता है कि अब उसकी बारी है, क्योंकि अब मून फेस नीचे आकर सबसे पहले उसको बिल्कुल इसी तरह से मार डालेगा और फिर वो उसकी लाश को ले जाकर बाहर टांग देगा। हालांकि अब तक एलन समझ चुकी थी कि बर्ड्स से बात करने का कोई फायदा नहीं है, अब वो यहाँ से किसी भी कीमत पर निकलना चाहती थी, इसीलिए वो अपने चारों तरफ देखने लगती है। तभी उसे एक शार्प ऑब्जेक्ट मिलता है, जिसकी मदद से वो सबसे पहले अपने हाथों की हथकड़ी को खोलती है और उसे इस तरह आजाद देख बर्ड नाचते हुए शोर मचाने लगता है। इसकी वजह से वहां मून फेस आ जाता है और एलन पर वार करता है। इस दौरान चालाकी दिखाते हुए एलन उस शार्प ऑब्जेक्ट के जरिए मून फेस के पेट पर वार करती है, जिससे वो घायल हो जाता है और एलन को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। इसका फायदा उठाकर वो मून फेस को वहीं बेसमेंट में लॉक कर देती है और अब ऊपर के कमरे में उसे एक बच्चे का कंकाल दिखाई देता है, जिससे एलन को पता चलता है कि मून फेस पहले एक छोटे बच्चे की भी जान ले चुका है। और इससे हमें ये पता चलता है कि मून फेस कितना खतरनाक है, जो कि अपने शिकार को जिंदा नहीं छोड़ता, फिर चाहे वो कोई बच्चा ही क्यों ना हो। हालांकि इस कंकाल को देखकर एलन बुरी तरह से डर जाती है और वहाँ के दरवाजे से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मून फेस ने वहाँ की सारी खिड़की और दरवाजे को लॉक कर रखा था ताकि वहाँ से कोई भी जिंदा निकल कर भाग न सके, और बाहर आते वो एलन पर हमला कर देता है, जिस दौरान एलन मून फेस के ही चाकू से उल्टा उसे ही घायल करके खिड़की से धक्का दे देती है। लेकिन मून फेस खिड़की के पर्दे को पकड़कर लटक जाता है, इससे कुछ देर के लिए उसकी जान बच जाती है। पर यहाँ पर एलन फुर्ती दिखाते हुए उस पर्दे को काट डालती है, इससे मून फेस की आखिरकार मौत हो जाती है। अब मून फेस की मौत के बाद एलन इस जगह से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ जाती है, जहाँ वो पहले अपनी गाड़ी की डिक्की को खोलती है, जिसमें हम उसके पति ब्रूस की लाश को देखते हैं, और फिर इसी के साथ सीन फ्लैशबैक की तरफ मुड़ जाता है, जहां हम ब्रूस और एलन को देखते हैं, जिनके बीच की लड़ाइयां धीरे धीरे काफी बढ़ चुकी थी। उनकी इन लड़ाइयों की वजह से ब्रूस भी काफी आक्रामक होता जा रहा था। वो अक्सर एलन को मारा पीटा करता था, इससे तंग आकर एलन ने एक दिन उसे डाइवोर्स देने का फैसला किया। लेकिन जब ये बात ब्रूस को पता चली तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने एलन को जान से मारने की कोशिश की। हालांकि यहाँ एलन ने अपनी जान को बचाने के लिए उल्टा ब्रूस को ही जान से मार डाला। इसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए वो अपनी कार से पहाड़ों की तरफ जा रही थी, लेकिन उसके साथ यहाँ ये हादसा हो गया और उसका सामना मून फेस से हो गया। हालांकि अब एलन को ब्रूस की मौत का इल्जाम मून फेस के सर पर डालने का एक अच्छा मौका मिल गया था, इसीलिए वो उसकी लाश को लेकर मून फेस के बेसमेंट में वापस आती है, क्योंकि अब उसे अपनी गलती सुधारने का एक अच्छा मौका मिल चुका था, इसीलिए वो मून फेस के तरीके से ब्रूस की लाश को ड्रिल मशीन के जरिए ड्रिल करती है। तो सब बर्ड भी देख रहा था। इस दौरान बर्ड उससे कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि ज्यादा बुरी वो है या मून फेस। इस पर एलन बर्ड से कहती है कि उसे नहीं पता,
और वो अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए वो वहां रखी एक गन के जरिए तुरंत ही बर्ड को शूट कर देती है। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। दरअसल एलन ने ये सब इसीलिए किया ताकि बर्ड पुलिस से कुछ भी ना बता सके और उसकी मौत का इल्जाम भी मून फेस पर आ जाए। इसके बाद एलन बर्ड की लाश को लेकर बाकी लाशों के साथ बाहर टांग देती है और फिर वो यहाँ से गाड़ी लेकर अपने घर की तरफ निकल जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।